हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 20 जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक न्यूज़ आपको बता दे कि जो आपका ओनली आईएएस का इकोनॉमी वाला लेक्चर बचा हुआ था कुछ टॉपिक के ऊपर, उसे कवर किए जा रहे हैं और उसे कवर कर दिया जाएगा। एंड आप लोगों के रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और आप जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना मोटिवेशन हमें मिलेगी और हम ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूअली डालते रहेंगे। और डेफिनेटली आने वाले समय में हम मेंस आंसर राइटिंग पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंस आंसर राइटिंग एक काफ़ी ज़्यादा इश्यू रहता है स्टूडेंट को, तो उस पर भी हम क्वेश्चन के बेसिस पर डिस्कस करेंगे कि हम क्वेश्चन उठाएंगे कहीं से सोर्सेज से और फिर उस पर डिस्कस करेंगे। बट अभी आपका प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, इसलिए आपको प्रीलिम्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आपको लगता है कि प्रीलिम्स के लिए आई कैन हेल्प यू वाया एमसीक्यूज, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, सो दैट अगर क्वेश्चन डिस्कस करने होंगे तो वो भी डिस्कस किए जाएंगे प्रीलिम्स के। सो होप यू विल कमेंट मी ऑन माय चैनल एंड बेस्ड ऑन द कमेंट वी विल टेक द डिसीजन। So let's move to our first topic, Supreme Court reserves order on adjusted gross revenue। ये adjusted gross revenue का issue आपने बहुत पहले भी सुना होगा, फिर से ये आपका adjusted gross revenue news में आ रही है ना। ये adjusted gross revenue का जो issue है वो telecom companies के साथ linked है ना, उसे हम देखेंगे AGR के बारे में। तो let's सबसे पहले हम AGR के ही बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो आपका एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू है, ये नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जो 1999 में लाई गई थी उसके माध्यम से इश्यू करी गई थी है ना, इंट्रोड्यूस करी गई थी। और ये बेसिकली फी शेयरिंग मैकेनिज्म होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द टेलीकॉम्स बेस्ड ऑन रेवेन्यू शेयरिंग फी मॉडल है ना। तो डिस्प्यूट क्या था, तो डिस्प्यूट ये था कि गवर्नमेंट कह रहा था कि AGR के तहत वो सारे रेवेन्यू आ जाएंगे जो टेलीकॉम एज वेल एज नॉन टेलीकॉम सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जाती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा। नॉन टेलीकॉम सर्विसेज जैसे आपका लेट्स से कि रियल एस्टेट की सर्विसेज हो सकता है वो प्रोवाइड कर रही होगी आपके टेलीकॉम कंपनी, तो वहां से जो रेंट आएगा वो भी आपका AGR में काउंट हो जाएगा है ना। और जो टेलीकॉम्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि इसमें सिर्फ रिवेन्यू फ्रॉम द टेलीकॉम सर्विसेज आने चाहिए है ना। तो इश्यू आप समझ गए होंगे, इश्यू बेसिकली टेलीकॉम सर्विसेज और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज के रिवेन्यू के इंक्लूजन या एक्सक्लूजन को लेकर है। बेसिकली आपका जो टेलीकॉम कंपनी जी वो बोलता है कि नॉन टेलीकॉम सर्विसेज जो हम ऑफर करते हैं वहां से जो भी रिवेन्यू आएंगे उसको आप एक्सक्लूड करो। गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं भाई साहब, इसमें वो भी इंक्लूड होंगे है ना। दैट्स व्हाई ये इश्यू काफी ज्यादा हाइलाइटेड हुई थी, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी और उसके बाद ये मैटर कहीं ना कहीं आपका ओपन है। और फिर से आप देख सकते हो पेटिशन हियर की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी टेलीकॉम कंपनीज ने फाइल करी थी AGR इश्यू को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो ड्यूज है उसको रिकम्पटेड नहीं किए जा सकते, और साथ ही साथ जो ऑर्डर उन्होंने पहले इशू किया था उसी को बरकरार रखा। ऑन देयर प्लिया सीकिंग करेक्शन इन कैलकुलेशन एरर्स इन AGR डिमांड्स है ना। तो AGR डिमांड्स के लिए जो भी कैलकुलेशन मेथडोलॉजी यूज किए गए होंगे उसमें एरर्स के बारे में इन्होंने कहा होगा टेलीकॉम कंपनीज ने। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला कि जो रिजर्व जो ऑर्डर इशू किए गए हैं वो चेंज नहीं होने वाले हैं है ना। That's why ये AGR और उससे रिलेटेड डिस्प्यूट न्यूज में आ गई थी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि AGR तो चलो ठीक है, रिवेन्यू गवर्नमेंट को दी जाएगी अगर ये आपका टेलीकॉम आपका राजी हो जाता है देने के लिए, वैसे तो देना ही है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि AGR के कारण टेलीकॉम सेक्टर्स के ऊपर क्या चैलेंजेज आ सकती है ना। कुछ कंसर्न्स तो आएंगी। पहली बात तो ये कंसर्न आएगी कि जो ओल्ड टेलीकॉम कंपनीज है ना उनके ऊपर हाई डेप्ट हो जाएगा। हाई डेप्ट यानी कि इनको तो पहले लग रहा था कि नहीं टेलीकॉम AGR ओनली इंक्लूड्स द टेलीकॉम रिवेन्यूज नॉट द नॉन टेलीकॉम रिवेन्यूज। अब इनको चूंकि ये नॉन टेलीकॉम रिवेन्यूज भी देने पड़ेंगे तो डेफिनेटली हाई डेप्ट देखने को मिलेगा ओल्ड टेलीकॉम कंपनीज का। विद वोडाफोन आइडिया अबाउट हाफ ए डेप्ट ऑफ 1.8 ट्रिलियन, आप समझ सकते हो वोडाफोन आइडिया को मिला दिया जाए तो आपका अकेले में ये 1.8 ट्रिलियन रुपीज का डेप्ट रखता है। Along with what increased risks of default which can lead to stress on bank है ना। तो default भी तो हो सकते हैं ये सब,
और एक बार जब डिफॉल्ट हो गया तो ये किस पर स्ट्रेस डालेगा, बैंकों के ऊपर। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि 5G काफी ज्यादा तेजी से आपका भारत में लाया जा रहा है और उसके लिए जाहिर सी बात है काफी बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट भी होने पड़ते हैं, वो इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं, तो अल्टीमेटली जो टेलीकॉम कंपनीज की कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ेगी, बिकॉज 5G का जो डिमांड है वो देश में बढ़ता जा रहा है। तो इसके कारण आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कंपिटिटिव रिस्क ऑफ डियोपॉली, कैसे, क्योंकि एक तरफ जियो है, एयरटेल है, और दूसरी तरफ PSUs है, यानी कि BSNL एंड MTNL, ये आपका ऑलरेडी स्ट्रेस में है, है ना। तो कंपिटिटिव रिस्क ऑफ डियोपॉली बिटवीन जियो एंड एयरटेल विद द PSUs, तो PSUs तो आपको पता है टेलीकॉम सेक्टर में जो BSNL है, MTNL है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है ना, तो कहीं ना कहीं ये AGR के कारण और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ सकती है। सो वी हैव डिस्कस दिस AGR इश्यूज एंड रिलेटेड डिस्प्यूट हमने डिस्कस किया, एंड प्रीलिम्स के लिए AGR आपको पता होना चाहिए बस, क्योंकि AGR इज रिलेटेड टू टेलीकॉम सेक्टर, इतना भी पता हो तो भी ठीक है। मेंस के लिए ये इशू याद रखना है, हाई डेप्थ ऑफ ओल्ड टेलीकॉम कंपनीज इंक्रीज रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड कंपिटिटिव रिस्क ऑफ डियोपॉली बिटवीन जियो एंड एयरटेल विद PSUs ऑलरेडी बीइंग अंडर स्ट्रेस। एंड नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट सेट्स अप डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन द डेयरी सेक्टर। अब डेयरी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट काफी तेजी से इनिशिएटिव लिए जा रही है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डेयरी सेक्टर की क्या स्थिति है स्टेटस इंडिया में, इसे भी डिस्कस करेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव डेयरी सेक्टर के लिए लिए जा रहे हैं, वी विल डिस्कस ऑल दीज। तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर को सेटअप किया है, जो आपका क्रॉस फंक्शनल टीम है जो कंस्टिट्यूट करी गई है, जो सर्व करेगा इंटरफेस या फिर इंटरलिंक विद द इन्वेस्टर है। तो ये जो आपका डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर होगा, ये आपका एक डेडिकेटेड टीम होगा जो इन्वेस्टर से कनेक्ट करवाएगा, है ना, इन्वेस्टर से कनेक्ट करवाएगा, सो दैट इन्वेस्टर जो है वो डेयरी सेक्टर में आए और डेयरी सेक्टर में इन्वेस्ट करे। तो ये जो आपका ये है डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर, नाम से ही पता चल रहा है डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर, क्या करेगा ये डेयरी इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करवाएगा। एक्सेलरेट तभी करवाएगा जब वेरियस इन्वेस्टर्स को ये मोबिलाइज करेंगे, तो वही काम ये करेगा, है ना। तो देख लो, इट विल प्रोवाइड सपोर्ट वाया ऑफरिंग स्पेसिफिक इनपुट्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो ये आपका स्पेसिफिक इनपुट्स ऑफर करेगा फॉर इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड ऑन ग्राउंड असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी जाएगी विद स्टेट डिपार्टमेंट्स एंड रिलेवेंट अथॉरिटीज, है ना। एंड डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर जो है आपका, ये अवेयरनेस भी जनरेट करेगा अमंग द इन्वेस्टर्स अबाउट एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, याद रखना। तो डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर विल जनरेट अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स अबाउट एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की, तो 15,000 crore rupees का फंड वो सेटअप किया गया है फॉर ऑफरिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनीज, FPOs एक्सेट्रा, है ना, याद रखना। इस फंड के तहत 15,000 crore rupees का फंड सेटअप किया गया है, सो दैट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट सेक्टर्स, FPOs विच इज एसोसिएटेड विद द डेयरी सेक्टर। अब बात करते हैं डेयरी सेक्टर इन इंडिया, यानी कि अगर हम स्टेटस की बात करें, तो याद रखना है भारत लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, और 23% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है, एंड लार्ज डोमेस्टिक पैकेज डेयरी प्रोडक्ट्स ऑफ मार्केट वर्थ आप देख सकते हो 2.7 to 3 lakh crore का है, और इसमें आपका डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी कि जो आपका पैकेज डेयरी प्रोडक्ट्स का मार्केट आप देख सकते हो, अभी मार्केट वैल्यूएशन अप्रोक्स 2.7 to 3 lakh crore rupees का है, और ये डबल डिजिट ग्रोथ विटनेस कर रहा है, एंड इट इम्प्लॉयज मोर देन 80 million+ फार्मर्स डायरेक्टली। तो 80 million फार्मर्स को डायरेक्टली ये इम्प्लॉय करते हैं, ये भी तीसरा बेनिफिट है, दैट्स वाई हमें फोकस करना है डेयरी सेक्टर के ऊपर, अलोंग विद वॉट ये फार्मर्स के इनकम के लिए एक फैसिलिटेटर का काम करता है, आपको पता है ना, इनकम ऑफ फार्मर को ये बढ़ाने का काम करता है, कैसे, बिकॉज ये डेयरी सेक्टर जो है जब ये मिल्क बेचेंगे तो हायर रेम्यूनरेटरी प्राइसेस इनको मिलेंगे, और चूंकि डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मार्केट इसका बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली ये सनशाइन सेक्टर आप देख सकते हो, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है इसके तरफ। एंड बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर द डेयरी सेक्टर, तो गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव डेयरी सेक्टर के लिए ली गई है अभी तक, वी हैव द नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, जो एनुअल मिल्क की प्रोडक्टिविटी, यानी कि एनुअली जो मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको ऑगमेंट, यानी कि मजबूत, यानी कि और ज्यादा इन्हांस करेगा। एलोंग विथ वी हैव द डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF,
एंड वी हैव द ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड आपको पता है मिल्क प्रोडक्टिविटी को इनहांस करने के लिए, और आपने मदर डैडी का नाम सुना होगा, अमूल का नाम सुना होगा, ये सब जो कोऑपरेटिव्स है आज जो इन्होंने पूरा मार्केट घेर रखा है और कहीं ना कहीं वेरियस मिल्क प्रोड्यूसर फार्मर्स को इंटरलिंक किया है, तो कहीं ना कहीं उनके इनकम ग्रोथ को मदद करने में काफी ज्यादा योगदान कर रहे हैं। एंड डेयरी फार्मर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द किसान क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेयरी फार्मर्स को इंक्लूड किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम में भी। तो वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक, एंड आपको याद रखना है डेयरी सेक्टर इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन योर मेंस, एंड यू हैव टू रिमेंबर द इश्यूज एंड द सम फैक्ट्स एंड डाटा, तभी आप मेंशन करोगे और अल्टीमेटली जो भी इसके कारण फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचती है वो आप लिख सकोगे। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इन्होंने स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट रिलीज किया है, है ना। तो याद रखना ये जो आपका फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 ये ज्वाइंटली प्रिपेयर करी गई है FAO के द्वारा प्लस इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD के द्वारा प्लस यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ के द्वारा प्लस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा प्लस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो याद रखना है ना, तो ज्वाइंटली प्रिपेयर्ड बाय FAO, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या की फाइंडिंग है, ये सब की फाइंडिंग आपको UPSC मेंस आंसर राइटिंग में मेंशन करनी है ना, ये क्योंकि सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के ऊपर आपका टॉपिक है। तो की फाइंडिंग की बात करें तो देख लो आप, अंडर न्यूरिशमेंट का जो प्रिवलेंस है, अंडर न्यूरिशमेंट मतलब आपको ही पता है कि जहाँ पर जो चिल्ड्रेन होते हैं उनको रिक्वायर्ड जो कैलोरीज मिलनी चाहिए, जो मिनरल विटामिन मिलने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते, जिसके कारण आपका अंडर न्यूट्रिशन जैसे इश्यूज लाइक स्टंटिंग वेस्टिंग जैसे इवेंट देखने को मिलते हैं, है ना। तो अगर की फाइंडिंग की बात करें तो अंडर न्यूट्रिशमेंट की जो प्रिवेलेंस है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 8.4% टू अराउंड 9.9%, हाईलाइटिंग द चैलेंज कि कहीं ना कहीं जीरो हंगर का जो टारगेट हमने 2030 तक में अचीव करने का अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा है वो कहीं ना कहीं डिले हो सकता है ना। वो दूसरा की फाइंडिंग की बात करें तो 22% चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इयर्स स्टंटिंग से सफर कर रहे हैं, 6.7% वेस्टिंग से सफर कर रहे हैं एंड 5.7% चाइल्ड वो ओवरवेट से सफर कर रहे हैं, 2020 का स्टेटस है ये। एंड नियरली 1 in 3 वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्लोबली ये भी अफेक्टेड है एनीमिया से, 2019 का ये रिपोर्ट है। और एनीमिया बेसिकली खून की कमी जिसको कहते हैं, आयरन डिफिशियंसी के कारण आपका एनीमिया काउज होता है। कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड एक्सट्रीम्स एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड डाउन टर्म्स, जिसको COVID-19 पेंडेमिक के कारण ये सब हुआ है, ये सब कुछ कारण है जिसके कारण राइज देखने को मिला है हंगर एंड स्लोइंग द प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन। तो अभी आप एक ग्लोबल चैलेंज जो आपका पेंडेमिक है, कहीं ना कहीं उसके कारण जो आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन है या फिर जो भी डेवलपमेंट हो रखे थे COVID-19 पेंडेमिक ने वो सारे डेवलपमेंट को डाउनग्रेड कर दिया। साथ ही साथ कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ये सब कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं मैलन्यूट्रिशन में जो भी प्रोग्रेस हो रहे थे उसके पेस को स्लो डाउन कर दिया है। तो क्या रिकमेंडेशन दी गई है कि कैसे हम लोग जीरो हंगर के टारगेट को अचीव कर सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि कैसे हम लोग स्पीड को पेस करें टू अचीव द ग्लोबल जीरो हंगर बाय 2030। तो देख लो, इंटीग्रेटिंग ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट एंड पीस बिल्डिंग पॉलिसीज इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, है ना। तो जो आपका कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज है वहां पर आप ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट एंड पीस बिल्डिंग पॉलिसीज को इंटीग्रेट करिए, साथ ही साथ स्केल अप करिए क्लाइमेट रेजिलियंस को अक्रॉस द फूड सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट रेजिलियंस अक्रॉस द फूड सिस्टम, यानी कि कोई भी क्रॉप उस पर ऐसा रिसर्च किया जाए सो दैट वो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी से रिक्स फ्री हो सके, है ना। कि अगर कोई क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी आती है, फॉर एग्जांपल वाटर ड्राउट रेसिस्टेंस क्रॉप्स हो सकता है ना, एक्सेसिव फ्लड रेसिस्टेंट क्रॉप्स हो सकता है ना, पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स हो सकते हैं, ये सब आपके हो जाते हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस बस स्केल अप करना है अक्रॉस द फूड सिस्टम एंड टैकलिंग पॉवर्टी एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज एंड इंश्योरिंग इंटरवेंशंस, है ना, ये याद रखना है ना। तो जो भी पॉवर्टी और स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है उसको टैकल करने की जरूरत है ना, तभी आपका एड्रेस हो सकेगा हंगर या मालन्यूट्रिशन के इश्यू को, क्योंकि जब तक गरीबी नहीं हटेगी, स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी जो है, इनकम इनइक्वालिटीज कह सकते हो, है ना,
सोशल इनइक्विटीज कह सकते हो, तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकते है ना। तो प्रो पुअर एंड इंक्लूसिव स्कीम्स भी लाने की जरूरत होगी, इंटरव्यू करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तभी ये चैलेंजेस डील हो सकेंगे। एंड स्ट्रेंथनिंग द फूड एनवायरनमेंट एंड चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर टू प्रमोट हेल्दी डाइटरी पैटर्न है ना। एंड फिर आप यहाँ देख लो, कोहेरेंस ऑफ फूड सिस्टम पॉलिसीज विद अदर सिस्टम है ना। तो जो भी आपके फूड सिस्टम पॉलिसीज चलाए जा रहे हैं उसको अदर सिस्टम के साथ कोहर किया जाए, यानी कि इंटीग्रेट किया जाए। पहली बात तो ये देख लो, फूड सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फूड सिक्योरिटी इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड अफोर्डेबल हेल्दी डाइट फॉर ऑल। अभी हमारे देश में या किसी भी देश में इशू क्या रहती है फूड को लेकर, एक तो आपका फूड सिक्योरिटी की इश्यू होती है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन की इश्यू होती है, तीसरा अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट की इश्यू होती है ना। तो फूड सिस्टम को इंटीग्रेट किया था एनवायरमेंटल सिस्टम से। इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ कि एनवायरमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा, साथ ही साथ एग्रीकल्चर फूड सिस्टम यानी कि फास्ट फूड ये सब जो है उस सब को डिसोसिएट करना है, जो आपके अच्छे फूड होते हैं उसके हैबिट को प्रमोट करना है। हेल्थ सिस्टम भी आपका मजबूत हो, सो दैट ये जो आपका कोई भी इश्यूज आती है हेल्थ से रिलेटेड वो डील किया जा सके। अदर सिस्टम एंड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि कोई अगर गरीब है तो उनके लिए वेरियस स्कीम्स इंसेंटिव्स लाया जाए, सो दैट उसे इन इश्यूज से राहत मिले। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में वेरियस प्रोग्राम चलाए जाते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, तो इन सब से आपका जो भी गरीब है ना उनको फ्री में राशन मिलता है, लो कॉस्ट पर राशन मिलता है। एंड अभी जो कोविड-19 पेंडेमिक आई और उसके कारण जो आपका प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना जो एक्सटेंड किया गया है, तो वो सब भी कहीं ना कहीं मदद करता है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ न्यूट्रिशन एमंग द पॉपुलेशन, एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प इन अचीविंग द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। नेक्स्ट वन इज योर ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म। तो जब हम रूरल टूरिज्म की बात करते हैं, रूरल टूरिज्म एक काफी ज्यादा इमर्जिंग सेक्टर है और आप सभी देख रहे होंगे कि आजकल एक ट्रेंड चलता है कि टूरिज्म अगर कहीं व्यक्ति को जाने का मन होगा तो वो रूरल एरियाज पर जाना फोकस करेंगे, बिकॉज ऑफ द लेस स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द रूरल लाइफ वेरी नेचर ओरिएंटेड है ना। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं जो टूरिज्म का स्कोप को बढ़ाता है, और खासकर इंडिया की बात करें तो टूरिज्म के क्षेत्र में भारत बहुत पोटेंशियल रखता है, रूरल टूरिज्म के भी क्षेत्र में भारत बहुत पोटेंशियल रखता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा, एंड वन ऑफ द इनिशिएटिव इज योर ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कमेंट्स इनवाइट किए हैं, यानी कि सजेशंस इनवाइट किए हैं ऑन द ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म। एंड रूरल टूरिज्म की बात करें तो रूरल टूरिज्म इज ए काइंड ऑफ टूरिज्म ओनली एंड शोकेसेस, इसमें होता क्या है, रूरल लाइफ को शोकेस किया जाता है, रूरल आर्ट कल्चर हेरिटेज अगर है कोई रूरल लोकेशन पे तो उनको शोकेस किया जाता है। तो इससे बेनिफिट किसको मिलेगा, लोकल कम्युनिटी को मिलेगा, एलोंग विथ इनेबलिंग इंट्रैक्शन बिटवीन द टूरिस्ट एंड द लोकल्स। तो जो टूरिस्ट आएंगे है ना वो वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे और टूरिज्म एक्सपीरियंस जो है उनका वो इनरिच होगा, साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज होंगे है ना, नॉलेज अबाउट द रूरल कम्युनिटी रूरल लाइफस्टाइल बढ़ेगा, तो ये सब कुछ बेनिफिट्स होते हैं। एंड द पॉलिसी है द फॉलोइंग की पिलर, तो आप देख सकते हो फॉलोइंग की पिलर द पॉलिसी है, क्या की पिलर है। पहली बात तो ये कि बेंचमार्किंग ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, बेंचमार्किंग ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होंगे कि रैंकिंग की जाएंगी स्टेट्स की रूरल टूरिज्म के ऊपर, सो दैट कम्पिटिटिवनेस प्रमोट किया जा सके, अलोंग विद प्रिपेयर ए स्टेट स्पेसिफिक रिपोर्ट। एंड द सेकेंड पिलर इज योर डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म फॉर रूरल टूरिज्म। इसमें क्या होंगे, ब्रॉडबैंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी इनेबल करी जाएंगी रूरल एरियाज में, ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जो टूरिज्म का ग्रोथ है रूरल सेक्टर में वो नहीं हो सकेगा, बिकॉज नाउ इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैज बिकम ए नेसेसिटी फॉर एवरी पर्सन कह सकते हैं, और स्पेशली जो टूरिस्ट होंगे उनके लिए तो जरूरी होगा ना। एंड नेक्स्ट वन इज योर डेवलपिंग क्लस्टर फॉर रूरल टूरिज्म। तो अगर हम बात करें डेवलपिंग क्लस्टर फॉर रूरल टूरिज्म, तो इसमें क्या होंगे, क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे विलेजेस के फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट, एंड साथ ही साथ प्रिपेयरिंग डेवलपमेंट प्लान्स फॉर आइडेंटिफाइड रूरल टूरिज्म क्लस्टर, एंड अलोंग विद व्हाट, मार्केटिंग सपोर्ट फॉर रूरल टूरिज्म। तो मार्केटिंग सपोर्ट फॉर रूरल टूरिज्म में क्या होगा,
प्रोडक्ट एंड थीम स्पेसिफिक रूरल टूरिज्म कैंपेन चलेगा ना, प्रोडक्ट एंड थीम स्पेसिफिक रूरल टूरिज्म एंड रूरल टूरिज्म टू बी अ फोकस एरिया अंडर देखो अपना देश कैंपेन, है ना। तो जो रूरल टूरिज्म होगा वो फोकस एरिया होगा अंडर देखो अपना देश कैंपेन। एंड नेक्स्ट इज योर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, है ना। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर, तो जब हम बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग रिसोर्स सेंटर्स, तो ये सेटअप किए जाएंगे एट द नेशनल स्टेट एंड क्लस्टर लेवल। एंड स्किल ट्रेनिंग ये आपका दिया जाएगा इन द रेलिवेंट वोकेशन, स्किल ट्रेनिंग जो है वो दिया जाएगा इन द रेलिवेंट वोकेशन। एंड गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो देख सकते हो नेशनल नोडल एजेंसी जो कोऑर्डिनेट करेंगी और स्ट्रेटजी को इवॉल्व करेंगी एंड एक्शनेबल प्लान्स भी लेकर आएंगी एंड स्कीम्स भी लेकर आएंगी, है ना। और ईच स्टेट या यूटी वो डेजिग्नेट करेंगी स्टेट नोडल एजेंसी को टू असिस्ट द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, याद रखना है। तो ईच स्टेट एंड यूटीज में ऑल्सो डेजिग्नेट स्टेट नोडल एजेंसी टू असिस्ट द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, काफी इंपॉर्टेंट है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ये आपको याद रखना है, रूरल टूरिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्या क्या पिलर्स पर कहीं ना कहीं हमें काम करने हैं यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म फॉर रूरल टूरिज्म, डेवलपिंग क्लस्टर्स फॉर रूरल टूरिज्म, है ना, मार्केटिंग सपोर्ट फॉर रूरल टूरिज्म, ये सब कहीं ना कहीं इस पर डेवलपमेंट करनी है तभी जाके रूरल टूरिज्म और जो उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, रूरल एरिया की विलेज ग्रोथ है, वो सब बढ़ेगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बेल ऑर्डर्स विल बी सेंट इंस्टेंटली टू जेल अथॉरिटीज, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है ना। तो जो बेल ऑर्डर्स है वो सेंट की जाएंगे इंस्टेंटली टू द जेल अथॉरिटीज, क्योंकि इश्यू आ जाती है ना, पता चला कि कोर्ट ने बेल ऑर्डर इश्यू कर दिया, पता चला कि चार दिन बाद, पांच दिन बाद, या फिर कभी कभी उसको छोड़ा भी नहीं जाता है। दैट्स वाई ये आपका इश्यू न्यूज में आई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लैरिफाई कर दिया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है न्यू स्कीम को कॉल्ड फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दैट इज योर फास्टर, काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एंड इसके माध्यम से होगा क्या, तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करेंगी बेल एंड अदर ऑर्डर्स को टू द जेल अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सो दैट इंस्टेंट बेल अलाउ किया जा सके। और कोर्ट ने सुओमोटो कॉग्निजेंस भी लिया है ऑफ इश्यू, जहां पर जेल अथॉरिटीज एट प्रिजन इन उत्तर प्रदेश उनको 4 days लगा टू रिलीज द कन्विक्ट वर्ड विद ग्रांटेड बेल। तो इस इश्यू को आपको याद रखना है ना, क्यों ऐसे स्टेप्स कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया था इश्यू का, जहां पर जेल अथॉरिटीज ने बेसिकली डिस्पाइट उनको बेल ऑर्डर मिल चुके थे, उन्होंने 4 दिन के बाद उसको रिलीज किया, तो ऐसे में तो 4 दिन की छुट्टी चली गई ना, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है, इसलिए इसको रिफॉर्म करने के लिए ये स्टेप लिए गए। एंड अर्लियर ए बेंच लेड बाय CGI इन्होंने ऑर्डर किया पुलिस को कि वो अरेस्ट लिमिट करे ड्यूरिंग द पैंडेमिक टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग ऑफ जेल्स एंड डिकंजेस्ट द प्रिजन। अब बात करते हैं प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया की, क्या कुछ स्टैटिक्स है प्रिजन डाटा को लेकर। तो एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 में जो टोटल नंबर ऑफ प्रिजनर्स थे वो 118.5% ऑफ द प्रिजन कैपेसिटी। ये सब डाटा याद रखना है आपको, है ना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 का ही डाटा है ये, टोटल नंबर ऑफ प्रिजनर्स वो 118.5% थे प्रिजन कैपेसिटी, यानी कि अगर प्रिजन कैपेसिटी 100% है तो उससे 18% ज्यादा कहीं ना कहीं रखे गए हैं जेल में, और हाईएस्ट रहा है ये 2019 में सिंस 2010। और स्टेट वाइज देखें तो नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिपोर्टिंग ओवरक्राउडेड प्रिजंस वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 18% इन 2018 टू 21% इन 2019, है ना। तो ये देख सकते हो जो आपका जो नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है रिपोर्टिंग ओवरक्राउडेड प्रिजन वो आपका 2018 में था और 21 बढ़ के हो गया है 2019 में, और 2019 में 69% ऑफ ऑल प्रिजनर्स ये तो अंडर ट्रायल में है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख सकते हो कितना बड़ा इश्यू है, 69% ऑफ ऑल प्रिजनर्स वेर अंडर ट्रायल। रिकमेंडेशंस की बात करें तो ये सब आपका प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए हो सकते हैं, ये सब आप जब भी आपका प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर टॉपिक आएगा तो ये स्टैटिक्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। सबसे पहला मेंशन तो ये करना पड़ेगा कि 2019 में आपका 69% ऑफ ऑल प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल, तो अंडर ट्रायल्स कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कत कर रही है, जिसके कारण लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, वो वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये तो एब्सर्ड डिटेंशन हो गया ना, क्योंकि अंडर ट्रायल से ट्रायल हो टाइमली तो जो सच में कन्विक्ट होंगे उनको रखा जाएगा, जो जिनने कोई क्राइम नहीं किया तो अल्टीमेटली उनको बेइज्जती किया जाएगा, है ना। इसके कारण होता भी क्या है आपका क्राउड ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है प्रिजन में, है ना, एंड तो कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देता है, साथ ही साथ कन्फ्लिक्ट विद इन द जेल ये भी हो जाता है।
ये सब कुछ स्टेटिक्स आपको याद रखने हैं। लो कमीशन की बात करें तो लो कमीशन ने रिकमेंड किया है कि जो अंडर ट्रायल्स हैं दैट हैव कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर ऑफेंसेस अप टू 7 ईयर उसको रिलीज कर दिया जाए बेल में। इन्होंने रिकमेंड किया, याद रखना है, लो कमीशन रिकमेंडेड दैट अंडर ट्रायल्स दैट हैव कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर ऑफेंसेस अप टू 7 ईयर उसको रिलीज कर दिया जाए बेल से, बेल पर। तो बेल पर रिलीज करने से क्या होगा, ओवर क्राउडिंग की समस्या कम हो सकेगी। साथ ही साथ ये जो COVID-19 के कारण जो कोरोना फैल सकता है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, है ना। साथ ही साथ हेल्थ, ये जो आपका जेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेहतर हो सकेगा, है ना। एंड ऑल इंडिया कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म कंस्टिट्यूटेड इन 1980 इन्होंने रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को सेटअप करे एंड डेवलप करे ओपन प्रिजन इन ईच स्टेट एंड यूटी, ये बात भी है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी बाय ऑक्सफैम। तो ये याद रखना है आपको, है ना, इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी बाय ऑक्सफैम। तो क्या की हाईलाइट है, आप देख सकते हो जो हेल्थ स्टेटस है ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल वो कॉन्टिजेंट है अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक पोजिशन इट होल्ड्स। यानी कि अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल का हेल्थ स्टेटस अच्छा है तो उसका सोशियो इकोनॉमिक पोजिशन भी अच्छा होगा, ये आपका हाईलाइट है ना। तो ये हाईलाइट करी जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल कैटेगरी के हैं वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं देन द एससी एंड एसटी एंड मेन आर बेटर ऑफ देन वुमेन एंड अर्बन पॉपुलेशन इज बेटर ऑफ देन द रूरल पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, है ना। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये वेल्थ पर आधारित है कहा जाता है ना। तो याद रखना है, ये बोला गया है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बेस्ड ऑन वेल्थ ये आपका 65.1 ईयर्स का है फॉर द बॉटम 20% ऑफ द हाउस होल्ड जबकि 72.7% है फॉर द टॉप 20%। यानी कि लेट्स से कि ये आपका वेल्थ डिवाइजन, वेल्थ डिवीजन है पॉपुलेशन का, तो ये जो आपका बॉटम 20% है इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है आपका 65.1 ईयर्स, और जो टॉप है जो वेल्थ में टॉप है उनका जो अगर देखा जाए लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 72.7 ईयर्स का है, 72.7 ईयर्स का है ना। एंड ऑन एवरेज एन अपर कास्ट वोमेन 15 ईयर्स लॉन्गर लीव करती हैं देन ए दलित वोमेन, ये भी आप देख सकते हैं ना, अपर कास्ट वोमेन लिव्स 15 ईयर्स लॉन्गर देन द दलित वोमेन। एंड स्टेट अटेम्प्ट कर रही है कि ये जो इनइक्वलिटीज है इसको कम किया जा सके विथ हायर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड लोअर कन्फर्म्ड केसेस ऑफ COVID-19, क्योंकि अगर COVID-19 केसेस बढ़ जाएंगी तो हु विल बी इम्पेक्टेड मोर, द लोअर पॉपुलेशन है ना वेल्थ में जो लोग हैं, बिकॉज उनको इलाज करने में इशू आएंगी, साथ ही साथ उनकी लाइवलीहुड पर खतरा आ जाएगा, उसके कारण वो और ज़्यादा पॉवर्टी में आ जाएंगे, इनइक्वलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट COVID-19 ये इग्नोर करती है कंट्रीज डिजिटल ड्राइव को इंटरिंग द पेंडेमिक एंड ओनली 15% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इनके पास इंटरनेट कनेक्शन है ना। एंड फिर आप देख सकते हैं इम्यूनाइजेशन इन एसटी हाउस होल्ड 55.8% टिल 6.2% बिलो द नेशनल एवरेज है ना। तो इम्यूनाइजेशन की बात करें एसटी हाउस होल्ड में तो वो 55.8% ही है ना, 6.2% बिलो द नेशनल एवरेज। रिकमेंडेशन की बात करें तो देख लो राइट टू हेल्थ उसको फंडामेंटल राइट्स बनाया जाए तब जाके गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज विल बी मोबिलाइज टू टेक एक्शंस, है ना। तो याद रखना राइट टू हेल्थ शुड बी मेड फंडामेंटल राइट, जैसे अभी आपका राइट टू प्राइवेसी हो गया। द फ्री वैक्सीन पॉलिसी शुड अडॉप्ट एन इंक्लूसिव मॉडल, यानी कि सबको इंक्लूसिवली प्रमोट किया जाए। एंड इंक्रीज हेल्थ स्पेंडिंग टू 2.5% ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब भी याद रखना है ना, इंक्रीज हेल्थ स्पेंडिंग टू 2.5% ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का। एंड यहाँ पर आप देख लो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपको याद रखना है, रुपी 1 of every 6 rupees स्पेंट ऑन द हॉस्पिटलाइजेशन वो आपका बोरोइंग के थ्रू आता है, यानी कि 6 rupees में से आपका जो 1 rupee हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर स्पेंड किया जाएगा वो बोरोइंग यानी कि मांग के आता है, है ना। 5 beds per 1000 पर्सन और होना चाहिए क्या 9 per 1000 एज पर द 2010 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना। लेकिन अभी क्या है हमारे देश में ये स्टेटस 5 beds per 1000 होना क्या चाहिए 9 beds per 10,000 पेशेंट एज पर द 2010 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और फिर अगर देखा जाए तो 1 government allopathic doctor every 10,189 people के लिए होना चाहिए, ये आपका नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2017 कहता है 1 government allopathic doctor for every 10,189 people एंड 1 state-run hospital for every 90,343 people, है ना। और फिर देख लो 64.2% इंडियाज आउट ऑफ द पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, ये डाटा सब याद रखने आपको, है ना। 64.2% इंडियाज आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी कि इतने
परसेंट आउट ऑफ पॉकेट यानी पॉकेट से खर्च करना पड़ता है ना, रेदर की उनको गवर्नमेंट से ऑफर मिलती है 18.2% ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। एंड हॉस्पिटलाइजेशन बेड पर 1000 पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो इंडिया का 0.5 है बस पर 1000 पॉपुलेशन। बांग्लादेश का देख लो इससे अच्छा है 0.87, मैक्सिको का देख लो 0.98, चिली का देख लो 2.11। सो ये हमने डिस्कस कर लिया, लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। फ्लोटिंग कंस्टिट्यूएंसी तो कश्मीरी पंडित ने प्रपोज किया है फ्लोटिंग कंस्टिट्यूएंसी को जो रिजर्व किए जाएंगे फॉर कंटेस्टिंग एंड वोटिंग ओनली फॉर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और सिमिलर लाइन्स एज इन सिक्किम, है ना। तो जैसा सिक्किम में है आपका उसी के सिमिलर लाइन पर आपको इसे जम्मू एंड कश्मीर में लाया जाएगा फ्लोटिंग कंसिस्टेंसी के कंसेप्ट को, है ना। फ्लोटिंग कंस्टिट्यूएंसी के अंतर्गत क्या होगा, तो ये कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व हो जाएगी फॉर कंटेस्टिंग एंड वोटिंग ओनली फॉर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो आपका फ्लोटिंग कंस्टिट्यूएंसी, द ओनली फ्लोटिंग कंस्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया, संघ मॉडल फॉर लमा संघाज इन सिक्किम, सिक्किम में ही है सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग कंस्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है अंडर आर्टिकल 371F जो स्पेशल पावर कह सकते हो, है ना, सिक्किम को दिया जाता है ना, स्पेशल राइट कह सकते हो जो सिक्किम को दिया जाता है। और इसमें क्या होता है फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसमें नाम से पता चल रहा है फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी विदाउट एनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी विदाउट एनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री एंड वन फॉर ओनली बुद्धिस्ट मॉन्क्स रजिस्टर्ड विद 51 मिनिस्ट्रीज विद इन द स्टेट कैन कॉन्टेस्ट एंड वोट, है ना। तो इसमें क्या है, वन फॉर विच ओनली बुद्धिस्ट मॉन्क्स रजिस्टर्ड विद 51 मिनिस्ट्रीज विद इन द स्टेट ये कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। नाउ स्टार्टअप इंडिया शोकेज, तो स्टार्टअप इंडिया शोकेज की बात करें तो देख लो 104 स्टार्टअप फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर ये स्टार्टअप इंडिया शोकेज प्लेटफॉर्म को ऑन बोर्ड किया है। और अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया शोकेज की, तो ये आपका ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा फॉर द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टार्टअप्स ऑफ द कंट्री। और इसमें आपको यूनिक विजिबिलिटी स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जाता है वाया प्रोफाइल पेज विथ डिटेल्ड पिच अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड इनोवेशन, एंड ये वेरियस सोशल एंड डिजिटल कनेक्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। साथ ही साथ ये ऑल स्टार रिपोजिटरी के रूप में भी सर्व करता है, है ना, एज द प्लेटफॉर्म कंटेंस स्टार्टअप दैट हैव ऑलरेडी प्रूव्ड देयर कैपेबिलिटीज, है ना, ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज योर डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रिप स्कीम। तो फेज वन ऑफ द स्कीम ये आपका क्लोज हो गया था मार्च 2021 को, एंड ड्रिप फेज टू एंड फेज थ्री ये अप्रूव किए गए हैं बाय कैबिनेट इटसेल्फ। तो अगर हम बात करें डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्कीम की, तो इसको फॉर्मुलेट किया गया है टू ब्रिज द फंडिंग गैप एंड प्रोवाइड अर्जेंट फाइनेंस टू स्टेट फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम्स। तो ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है विद फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, इन्होंने ड्रिप स्कीम को इनिशिएट किया था 2012 में, और सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल वाटर कमीशन का है असिस्टेड बाय कंसल्टिंग फर्म ये कोऑर्डिनेट कर रही है, सुपरवाइज कर रही है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन को, ये भी याद रखना है आपको, है ना। एंड नेक्स्ट इज योर नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्कॉट, ये आपको याद रखना है नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्कॉट। तो नासा का जो न्यू स्पेस क्राफ्ट है नियर स्काउट ये सेफली स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से जुड़ गया है। तो अगर हम बात करें ये जो आपका स्काउट की, तो ये मिनिएचराइज्ड स्पेस क्राफ्ट है जिसको क्यूब सेट कहते हैं, ये छोटे स्पेस क्राफ्ट होते हैं, और इसका मेन मिशन वही है टू फ्लाई बाय एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम ए नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, है ना, कि जो आपके स्पेस क्राफ्ट होंगे ये नियर अर्थ एस्ट्रॉइड के आसपास ये फ्लाई करेंगे और जो भी डाटा है उसे कलेक्ट करेंगे। और ये अमेरिका का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा यूजिंग स्पेशल सोलर सेल प्रोपल्शन, याद रखना अमेरिका का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन बट यूजिंग स्पेशल सोलर सेल प्रोपल्शन, एंड ये प्रोवाइड करेंगे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ऑन एस्ट्रॉइड फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे ऑर्बिट हो गया, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, रोटेशन हो गया, डस्ट एंड डेब्रिस फील्ड सराउंडिंग इट प्लस इट्स सरफेस प्रॉपर्टीज, है ना। एंड मंकी वी वायरस की बात करते हैं, मंकी वी वायरस काफी ज्यादा न्यूज में आ रही है बिकॉज चाइना ने रिपोर्ट कर लिया है फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन केस विद मंकी वी वायरस। ये चाइना का तो कोई ठिकाना नहीं, हर जगह वायरस से फैलाने पर भरा हुआ है। तो चाइना हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन केस विद मंकी वी वायरस। और अगर हम बात करें मंकी वी वायरस की, तो ये जो वायरस है इनिशियली 1932 में आइसोलेट की गई थी, और ये अल्फा हेयरपीस वायरस है मैकेक्यूज ऑफ द जीनस मैका का। और ये जो अल्फा हेयरपीस वायरसेस हैं ये पैथोजेन होते हैं जो इन्वेड करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ देयर मेमेलियन होस्ट। और ये जो इन्फेक्शन है कैन बी ट्रांसमिटेड वाया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट
एंड एक्सचेंज ऑफ बॉडली सेक्रेशन ऑफ मंकीज एंड करंटली देर आर नो वैक्सीन दैट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट मंकी वी वायरस इन्फेक्शन। ये याद रखना है, नो वैक्सीन दैट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट मंकी वी वायरस इन्फेक्शन। अगर आ गई फैल गई तो फिर क्या होगा पता नहीं, फिर वैक्सीन लेने की जरूरत तो ना पड़ जाए। डैम्स इन न्यूज, काफी डैम ये न्यूज में है। तो पहला है आपका नागार्जुन सागर डैम। तो रिसेंटली द डैम बिकम ए पॉइंट इन वाटर वॉर बिटवीन द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जिसमें आंध्र प्रदेश तेलंगाना को एक्यूज कर रही है यूनिलेटरल हाइडल पावर जनरेशन को लेकर विदाउट कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड अप्रूवल, जो नोटिफाई करी गई थी रिसेंटली अलोंग विद गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। और ये डैम है ऑन रिवर कृष्णा बिटवीन नलगोंडा दैट इज योर तेलंगाना एंड गुंटूर आंध्र प्रदेश बॉर्डर, है ना। एंड नेक्स्ट इज योर मेकादतु डैम, काफी इंपॉर्टेंट है ये मेकादतु डैम। मेकादतु मल्टीपर्पज बैलेंसिंग रिजर्वेयर प्रोजेक्ट है विथ ए डैम प्लांट बाय द स्टेट ऑफ कर्नाटका ऑन ए डीप जोर्स फॉर्म्ड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कावेरी विथ इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कावती। और ये प्रोजेक्टेड है टू जनरेट 400 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो सोल्व द वाटर क्राइसिस इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु एंड नियर बाई रीजन, है ना। एंड इट्स कंस्ट्रक्शन इज डिस्प्यूटेड बाय तमिलनाडु। तो अगर पूछा जाए मेकादतु डैम डिस्प्यूट किसके बीच में, तमिलनाडु और फिर आपका कर्नाटका के बीच। और ये याद रखना है कहाँ पर बनाई जा रही है, ऑन ए डीप जोर्स फॉर्म्ड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ कावेरी विथ इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कावती। तो कावेरी का ट्रिब्यूट अर्कावती है, ये भी याद रखना है। एंड ये हो गया आपका नागार्जुन सागर डैम। तो नागार्जुन सागर डैम भी आपको याद रखने हैं, है ना, कहाँ पर है और कौन से रिवर पर है, ये याद रखने हैं। एंड द लास्ट वन इज योर ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, है ना। इसमें क्या न्यूज है, तो $4 बिलियन ग्रैंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लान बाय इथियोपिया ऑन ब्लू नील, है ना। याद रखना ब्लू नील विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ नील रिवर, है ना। इतने बिलियन डॉलर का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो इथियोपिया के द्वारा प्लान किया जाएगा, किया गया था टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वो डिस्प्यूटेड है सुदान और इजिप्ट के साथ बिकॉज ऑफ देयर हाई डिपेंडेंस ऑन नाइल वाटर। क्योंकि आपको ही पता है, लोकेशन देख लो, यहाँ पे आपका डैम बनाया जाएगा इथियोपियन, यहाँ पे डैम बनाया जाएगा, लेकिन ये रिवर कहाँ को जाती है, इजिप्ट और सुदान से क्रॉस होकर जाती है। दैट्स व्हाई इनको लग रहा है कि वाटर क्राइसिस ना आ जाए। एंड वंस फुल्ली ऑपरेशनल द डैम कैन रिक्स द हाई अश्वन डैम वाटर लेवल विच इज कंसिडर्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ द इजिप्ट, है ना। तो ये सब टॉपिक हमने डिटेल से डिस्कस किया, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये एक एरर आया था कल के जो आर्टिकल हमने डिस्कस किए थे 18 और 19 जुलाई वाले, इसमें मिस्टेकली त्रिपोली को शोकेस कर दिया गया था, द कैपिटल ऑफ लीबिया, है ना, है ना। जो लेबनीज सिटी ऑफ त्रिपोली ये डिफरेंट है जहाँ पर आपका, है ना। तो लेबनीज सिटी ऑफ त्रिपोली वो डिफरेंट है और त्रिपोली वो डिफरेंट है, है ना। और ये जो आपका राइट की बात करी थी तो वो लेबनीज सिटी ऑफ त्रिपोली में हुई थी। तो वी हैव डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल एंड होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।